जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ध्यान से समझिएगा क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये अर्थ अर्थ आप अपने चारों तरफ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है। कहाँ रिवॉल्व कर रही है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ एंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कितना है? 24 आवर्स। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स। एक सेटेलाइट आपने प्रोजेक्ट किया, एक सेटेलाइट आपने ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया। दिस इज द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड अर्थ एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड अर्थ। वॉट फैक्टर डिसाइड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट? इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द हाइट, ओनली ऑन द हाइट। केवल केवल हाइट पर डिपेंड है कि कितना टाइम में अर्थ का रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, अभी हमने दो कंक्लूजन निकाले थे। फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सच दैट हाइट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, द टाइम पीरियड इज 84.6 मिनट। एंड फॉर ए सेटेलाइट हैविंग हाइट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड वॉज 200 वॉट। कितना था? 39.9 मिनट्स। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है तो जल्दी अपना रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा। अर्थ से जितना ज्यादा हाइट पर जाएगा रिवोल्यूशन पूरा करने में ज्यादा टाइम रहेगा। व्हेन द हाइट ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द टाइम पीरियड इज 240 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे। कम, जबकि हाइट इक्वल है किसके? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। अगर आप हाइट और बढ़ा दो तो ये टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइट ऐसी भी आ सकती है जबकि इस सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का टाइम कितना हो जाए? 24 आवर्स हो जाए, 24 आवर्स बन जाए इसका टाइम। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अगर सैटेलाइट, अभी ये सैटेलाइट है, आप सैटेलाइट को कहें कि ये कौन सा सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और आप यहां खड़े हुए हैं आपके सर के ऊपर सैटेलाइट। ठीक है, अब इसे पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा? 84.6 मिनट। उतने टाइम में थोड़ा सा आप चेंज हो जाओगे, आपकी पोजीशन बदल जाएगी, आप अर्थ क्योंकि चली जाएगी अपनी जगह से अलग हट जाएगी। ठीक है, तो अगली बार, अभी राइट नाउ अभी आपके सर के ऊपर है सैटेलाइट, तो अगली बार कितने मिनट बाद? 84.6 मिनट प्लस थोड़ा सा इसमें 2 4 10 5 मिनट का और ऊपर नीचे हेर फेर होगा क्योंकि आपकी जो पोजिशन बदल गई, फिर ये आपके सर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमेशा आपके सर के ऊपर रहे तो क्या होना चाहिए? इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। अगर ये अर्थ आप चाहते हैं कि सेटेलाइट हमेशा ही आपको दिखाई दे, तो 24 आवर्स में आपने एक सर्कल कंप्लीट करा, 24 आवर्स में ही आपके साथ साथ क्या करे? यही सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या होगा? स्टेशनरी हो जाएगा।
तो एनी सैटेलाइट विच रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रुका रहे, स्टेशनरी बना रहे, देन दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बात समझ आई? अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, ना अर्थ रुकी हुई, ना आपका सैटेलाइट रुका हुआ, दोनों ही मूव कर रहे हैं, दोनों सर्कुलर मोशन में, लेकिन दोनों के टाइम पीरियड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाए तो फिर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुक गए। लिखिए ऐसे हेडिंग को, लिखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट विच रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फॉर अ सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी इट्स टाइम पीरियड मस्ट बी 24 आवर्स, मस्ट बी 24 आवर्स। अब हम फाइंड करें, अच्छा टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पर? टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट। तो कितनी हाइट पर इसे प्रोजेक्ट किया जाए, कितनी हाइट पर इसे एस्टेब्लिश किया जाए, तो हम फाइंड करते हैं हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाइट के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे हम, कौन सा? जो अभी अभी कैलकुलेट किया था, h इक्वल्स व्हाट? t स्क्वायर r e स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 4π² to the power 1/2 माइनस r e। ठीक है, और यहां क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपने? टाइम पीरियड 24 आवर, मींस 24 × 60 × 60 सेकेंड्स। जी आपने सब्स्टिट्यूट करना है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और एक वेरिएबल और बचा रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, मींस 6.4 × 10⁶ मीटर। और ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी एच निकल कर आती है 36,000 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर पर अगर आपने किसी एस्टेब्लिश कर दिया किसी सैटेलाइट को, तो ये एग्जैक्टली कितने टाइम में रिवॉल्व करेगा? उतने ही टाइम में जितना अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम है, यानी 24 आवर्स। देन इट मे बी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्टेशनरी हो, जियो स्टेशनरी, इट मे बी जियो स्टेशनरी। ठीक है, कीजिए इतना। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है आर ई जी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट किया था आपने हाइट की टर्म्स में, तो जी डिवाइडेड बाय व्हाट? आर ई प्लस एच। हेयर एच इक्वल्स व्हाट? 36,000 किलोमीटर। आर ई इक्वल्स 6400 किलोमीटर एंड जी इक्वल्स 9.8। ये सारी वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो निकल कर आएगी 3.072 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।